पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण की ओर से वैदिक वानप्रस्थ आश्रम बुद्धि विहार में गणतंत्र दिवस मनाया गया, झंडा फहराया गया और राष्ट्रगान किया गया, साथ में देशभक्ति गीत और कविताएं आदि गाए गए। इस दौरान खाने पीने की चीजें बुजुर्गों को वितरित की गईं। बुजुर्गों के साथ सदस्यों ने अपना समय व्यतीत किया। इस दौरान कार्यक्रम में संस्था की संयोजिका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलिमा अग्रवाल, करणदीप संधु, नगर अध्यक्ष पायल अग्रवाल के साथ और भी लोग मौजूद रहे। आज हमने मानवाधिकार की तरफ से वृद्ध आश्रम में आके गणतंत्र दिवस राष्ट्र ध्वज करा और उनके साथ एंजॉय किया। और मैं हमेशा यहीं आती हूँ, इन लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई कविता गाता है, कोई देश के बारे में अपनी राय देता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सभी शहरवासियों के लिए मेरी सभी हार्दिक शुभकामनाएँ गणतंत्र दिवस की। और मैं यही एक संदेश देना चाहूँगी कि वृद्ध आश्रम में जो हैं उनके बच्चों को सबको अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि वो वृद्धाश्रम में ना आ सके। बस मेरा यही कहना है। जय हिंद, जय भारत।